तुम मुझे बोलने भी नहीं देते। ये डरती है ना वो इनको देख के, इनको देख के। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकास ज्योति उत्तराखंड ब्लॉग्स में। आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त है। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से स्टार्ट, और अभी मैं जा रही हूँ सिलाई सीखने। तो अभी 10 तो मतलब 10 से तो ऊपर हो गया टाइम, पर अभी मेरे लिए लेट हो गया। तो अभी मैं तैयार होकर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों अभी मैं तैयार हो ही रही हूँ, तो अभी मेरे मिस्टर जी आ रहे हैं और मैं उनसे गुस्सा हूँ, तो अभी देखते हैं वो क्या करते हैं। तब तक मैं बाल बना देती हूँ, देखते हैं कब तक आते हैं। अभी मैं बाहर आ गई और अपना थैला वैला लेके, तो अब मैं जा रही हूँ सिलाई सीखने। और इन्होंने गाड़ी बाहर निकाल दी, तो अभी स्टार्ट तो कर दी। मम्मी बोल रही है चूड़े पिसवाने के लिए ले जाओ, तो हमने चूड़े बनाए थे तो हम चक्की में लाएंगे पिसवा के। घर में तो हम पीस नहीं सकते, तो अभी देखो ला रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको कितने हैं। सॉरी अभी हम चूड़े पिसवाने नहीं ले जा रहे, मम्मी ने दलिया दे रखा है मैथ के लिए, तो मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। अभी मैं घर से निकल गई और मेरे मिस्टर जी आ रहे हैं मुझे छोड़ने, और इन्होंने ना मेरे पे लिपस्टिक लगा दी पूरे पे। मैं लिपस्टिक लगा रही थी जब अंदर, तो मेरे मुंह पे लगी है, दिख तो नहीं रहा, मैंने साफ कर दी, पर ये बहुत तंग करते हैं मुझे। जैसे जब भी मैं अपना मेकअप करती हूँ ना, तो ये आ जाते हैं बीच में ख़राब करने के लिए। तो देखो मैं दिखाती हूँ, पहुँचने वाली हूँ, यहाँ पर जाना है मुझे, यहाँ पर तो ज़्यादा दूर नहीं है। गाड़ी का रास्ता 5 मिनट का और पैदल का है 15-20 मिनट का, सामने ही है। तो मैं पहुँच गई, मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी 12 बज रहे हैं और मैं घर जा रही हूँ सिलाई सीख के, और मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। जब कभी सर्दी लगती है ना, पहले गले में दर्द होता है फिर सर्दी लग जाती है,
तो शायद मेरे गले में भी ऐसी दर्द हो रहा है। तो चलती हूँ घर। तो अभी मुझे कपड़े भी सिलने हैं जो मैंने काट के ला रखे हैं, तो मैं सिलूँगी, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों अभी मैं रास्ते में थी तो एक आंटी और के ना तोते हैं, तो मतलब एक तोता है उसमें उन्होंने पाल रखा है, तो वो बोलता भी है जैसे चू चू कर रहे हैं ना वैसे। तो दोस्तों अभी मैं सेब खा रही हूँ धूप में बैठ के, और मम्मी बना रही खाना, तो हमने कपड़े धो रहे थे सुबह, तो और मेरे पीछे धूप लगी है बहुत मस्त वाली। तो जब तक मम्मी खाना बनाती है तब तक मैं सेब खाती हूँ। अभी मम्मी भी आ रही है, काट रही हूँ तब तक। ये है सेब और मैं इसको काटूंगी, और मैंने नमक भी ला रखा है, तो खाते हैं नमक और सेब। दोस्तों अभी मैंने सेब काट लिए और बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, खाते हैं। आलो जी तुम तो दूर चल गया, चलो मेरे लिए बैठ जा, मैं अमुक फोन खा मानो। तब हम धूप में बैठ के खा रहे हैं, ठीक है। जमीन से तुम आप खा दे, घाम वैद अंदर होती क्यों है ना। तो अभी खाना बन रहा है, और तब तक हम अभी खाना बन रहा है तब तक हम सेब खा रहे हैं। और आज मैंने तोते देखे, मतलब तोता देखा एक तोता, मैं कल उसकी वीडियो बनाने जाऊंगी। और आज हमने बनाए रखे है कड़ी भात। आप लोग बोलते होंगे कि हम रोज कड़ी भात ही खाते हैं, जब कभी जब कभी नम वीडियो बनाते हैं तो कभी नम कड़ी भात ही बनाना रहती। तो आज भी हमने कड़ी भात बना रखा है। मैं अगला लंच पे रहा हूँ, शाम हो गई है और मैं कपड़े सिल रही हूँ। शाम हो गई है, रात के 8 बजे हैं। कबाब पटौनी नवाब, ए भगवान बिले कैसे बैठ रही, मुझे भी दे एक टक लगा। तो अब हम ये ला रखे हैं कबाब और मैं सिल रही हूँ कपड़े, तो खाते हैं। पहले जब एक कटोरी ले, तो मिलते हैं आपको अभी कबाब खाने के टाइम पे, कबाब खाते समय जाना। तो ये है कबाब, वो भी खा लूं। ये है वो, देखो तो खा गए पहले से। मम्मी खा ली, बिलाई देख रही है। अभी हमारा खाना बन रहा है, 8 बज गए, और देखो ब्लैक वो कैसे कर रही है। एक्टिंग करो जरा एक बार, फिर एक मारो ब्लैक को, मार से मार दो। बहुत बिगड़ गए, पता नहीं बहुत बिगड़ गए। पूछ से देखो कैसे कर रही है, टांग नीचे कर। बाप रे मार दे, इधर के टट मार, एक डंडा ले आओ, जरा एक डंडा लाओ, एक डंडा मरे भाई, मार मार से। दोस्तों ब्लैकी ना डरती है, इसलिए वो बैठी है, इनसे इनको देख के डरती है ना वो, इनको देख के, इनको देख के, तभी तो इनको प्यार करती है। चल चल चल, खाना पीना हो गया और रात के अभी कितना हुआ टाइम, 9:10 हो रखे हैं। तो हमने खाना खा लिया और अभी हम कमरे में आ गए हैं, और मम्मी और टीवी देख रहे हैं। तो अभी हम करेंगे डांस। तो दोस्तों अभी हम डांस कर रहे हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको हमारा डांस। तो आज हम बहुत दिनों बाद डांस करेंगे अपनी शादी के बाद। तो गाइस अभी हम डांस कर रहे हैं और हमें डांस करना नहीं आता, तो आप हंसना मत हमें देख के। क्या
गाइस अभी हम डांस कर रहे थे और मुझे हंसी आ गई थी, मेरा पति वहाँ आ जाते थे दूसरे कमरे में, बस तुम मुझे देख के हंस रही है, तो आप डांस नहीं कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा ही करा था, तो आप लोग देखना कैसा है हमारा डांस। तो मेरे गले में दर्द हो रहा है इसलिए मुझे हंसी आ रही थी उनको देख के। तो दोस्तों अभी रात के 10 बजने वाले हैं और अब हम सोने वाले हैं, तो हम सो जाते हैं, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।